बेगूसराय के सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो आज बछवारा प्रखंड के फतेह स्थित गीता धाम ठाकुरबारी पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुरबारी के महंत राम सुमिरन दास से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा मंदिर एवं मठों की जमीन पर सरकारी योजनाओं के तहत कार्य करने की नीति भले ही गलत न हो, लेकिन इसके लिए सरकार को एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर और मठ हैं, उनकी आय का अधिकांश हिस्सा लोक कल्याण एवं सामाजिक कार्यों में व्यय होता है, लेकिन अन्य धर्म से संबंधित जमीन या आय का हिस्सा सामाजिक कार्यों में नहीं लगाया जाता, इसीलिए सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए। मठ और मंदिर अभी मुझे ज्ञात हुआ कि मठ मंदिर के जमीनों पर शायद सरकार अपनी व्यवस्था के अनुरूप, लेकिन मैं धर्म विभेद नहीं पैदा करता। हम दूसरे धर्म में कभी कोई सरकार कोई कानून हस्तक्षेप नहीं करने की कोशिश करता, लेकिन सनातन धर्म में और सनातन धर्म की भौतिक संपदा समाज के काम में आता है। दिखता लोगों को गुरुकुल चलता, समय समय पर गरीबों की सेवा होता, कहीं अस्पताल होता, तो मेरा मानना है और धर्म स्थल भारत के संस्कृति को मजबूत करता, और वही भारत की संस्कृति ही भारत की मजबूती है। इसको ना टूटे, ये सरकार को और हम सबों को चाहिए। बता दें कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने का भी आश्वासन दिया। बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।